मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम पीटीएस मैजिक शॉप में। ये द यूनिक लव स्टोरी का चैप्टर 32 है। चैप्टर 31 में हम लोग देखे थे जिमिना भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब आगे सारा सामान आ गया है ना? अगर कुछ छूट भी जाता है तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तेरा भी बहुत छोटी है, उसके ऊपर काफी प्रेशर आ गया है। मैं अगर वर्क फ्रॉम होम करूंगा तो तेरे को काफी हेल्प हो जाएगा। हाँ सर, मेरे नॉलेज में जितना है सारा सामान आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे एक बार कॉल कर दीजिएगा, ठीक है ना सर? शुगा, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, सारा सामान स्टडी रूम में क्यों ला के रखा है? वो भाई, मैं आज से वर्क फ्रॉम होम करूंगा। जिमिना का ख्याल भी रख पाऊंगा और ऑफिस वर्क भी हो जाएगा। और ते छोटी है, उसको कितना काम रह जाता है, कितना संभालेगी हम लोग को, है ना? बेचारी थक जाती है। हाँ यार शुगा, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? हाँ, मैं भी वर्क फ्रॉम होम ही कर लेता हूँ। वैसे भी ते हमें संभालते संभालते काफी थक जाती है। तूने सही कहा, ये सही रहेगा, है ना? हाँ, क्या सही रहेगा जीजू? अरे बाप रे, स्टडी रूम इतना कैसे भर गया? शुगा, ये सब क्या है? ऑफिस घर पे क्यों आ गया है? अरे जिमिनी, तुम नीचे क्यों आ गई? तुम्हें अपने रूम में रेस्ट लेना चाहिए था ना? डॉक्टर ने रेस्ट लेने के लिए कहा है, तुम नीचे क्यों आ गई? शुगा, डॉक्टर ने रेस्ट लेने के लिए बोला है, बिस्तर में धस जाने के लिए नहीं। कितना लेटी रहूंगी? लेकिन ये सब क्या है, पहले ये सब बताओ मुझे। वो जिमिना, आज से मैं और शुगा वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इससे ऑफिस वर्क भी हो जाएगा और तुम लोग का ख्याल भी रख पाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग ख्याल रखने के चक्कर में हमें टॉर्चर करोगे। इससे बेहतर ऑफिस जाओ। आप भाभी, थोड़ा सा सोचो। हम घर पे रहेंगे तो ती को भी रेस्ट मिलेगा, छोटी कितना काम करेगी। लेकिन शुगा, ये कोई लेकिन वेकिन नहीं, हम दोनों आज से वर्क फ्रॉम होम करेंगे, दैट्स इट। अब इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। अरे हमें भी तो हक बनता है अपने वाइफ और बेबी का ख्याल रखे, है ना? तुम लोग से कोई नहीं जीत सकता। जो चाहे करो। बेबी उठो, देखो सुबह हो गया है। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग शोना, उठ जाओ। टाइम क्या हो रहा है कुकी? 8 बज गया है, उठ जाओ। क्या इतना लेट? तुम्हें जल्दी उठाना चाहिए था ना मुझे। हाँ, रिलैक्स बेबी, इतना हड़बड़ मत करो, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ कुकी? जिंदी और जिमिंदी को ब्रेकफास्ट खिला के मेडिसिन भी देना होता है, और नामजून जीजू और शुगा जीजू ऑफिस जाएंगे, उनका भी ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करना रहता है। तुम क्यों इतना लेट उठाए मुझे? हाँ क्या बेबी, घर पे मेड नहीं है क्या? तो मैं एक काम करता हूँ, सारे मेड्स और सर्वेंट्स को छुट्टी दे देता हूँ, सारा काम तुम ही करो। और वैसे भी नामजून भाई और शुगा भाई आज से वर्क फ्रॉम होम करेंगे, उनका कहना है इससे दोनों चीजें ही बैलेंस हो जाएगा और तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। वो तुम्हारे बारे में कितना सोचते हैं और तुम ये सब करती रहती हो, सही में ते? क्या? लेकिन उससे तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा ना बेबी। नमजून भाई और शुगा भाई ऑफिशियल वर्क में बहुत मैच्योर हैं। वो इतने साल से कंपनी को संभालते आए हैं। ज्यादा मत सोचो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा फिर। और मैं एक बार गुस्सा हो गया ना बेबी, तो मैं सच में बात नहीं करूंगा। कुकी, आजकल तुम ज्यादा ही गुस्सा आने लगे हो। हाँ, क्योंकि तुम मेरा बात नहीं सुनती हो, इसीलिए। ओके बाबा, अब से सब सुनूंगी, ठीक है ना? मैं नहीं मानूंगा, मुझे प्रूफ चाहिए। प्रूफ? प्रूफ। लेकिन प्रूफ कैसे दूं? हाँ? तुम इधर आओ। कुकी,
अच्छा, मैं तो बस प्रूफ मांग रहा हूँ। नहीं अभी नहीं। ठीक है तो जाओ, मैं गुस्सा हो गया फिर। कुकी तुम भी ना। I love you baby, I love you more। इतना ताका छाकी करना सही नहीं है, है ना आर्मिस? हम लोग हमेशा उनका हर एक क्वालिटी मोमेंट देख लेते हैं, है ना? लेकिन आज नहीं, आज वो दोनों को एक दूसरे के साथ खो जाने देते हैं, ठीक है ना? और हम चलते हैं नमजिन के रूम में। चलिए मेरे साथ। जीनू बेबी, ये फ्रूट्स खा लो, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। अभी तो ब्रेकफास्ट फिनिश की थी, फिर ये सब अभी नहीं खाना प्लीज ना जूनी। जीनू ऐसे नहीं करते तो बेबी का ग्रोथ कैसे होगा, अभी तो ज्यादा ज्यादा खाना चाहिए ना। चलो फिनिश कर लो। हाँ ठीक है तो खा लेती हूँ। बेबी तुम्हें भूख लग गया होगा ना, तो मैं इसीलिए तुम्हारे लिए ओट्स बना के लाया हूँ, चलो खा लो। जूनी मेरा टमी फूल है, मैं और नहीं खा सकती। नहीं बेबी ऐसे नहीं करते ना, डॉक्टर ने कहा है इस टाइम पे बहुत ज्यादा भूख लगता है। एक्चुअली तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें भूख लग रहा है, लेकिन तुम्हें भूख लग रहा है मुझे पता है। चलो इसे जल्दी से फिनिश कर लो। अरे उसके लिए पहले वाला खाना भी तो डाइजेस्ट होना चाहिए ना, उसे थोड़ा सा डाइजेस्ट होने का टाइम तो दो जूनी। पहले तो रात रात भर जगा के मुझे ये खाना है वो खाना है ये बोलती रहती थी, तो फिर अभी क्या हो गया? तो क्या फिर बेबी तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो अभी? हाँ क्या, मैंने कब कहा? ठीक है बाबा नाटक करना बंद करो, दो खा लेती हूँ, मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं तुम्हें ऑफिस जाने के लिए बोली थी। अब तो बस हमें ती ही बचा सकती है। भगवान क्या हो गया है, ये रो क्यों रही है? उफ, एक जगह लेटे लेटे और खाना खा खा के मैं मर जाऊंगी, थोड़ा सा बालकनी में चली जाती हूँ। जिमिना बेड से उतर कर जाने ही लगती है तभी, अरे अरे क्या कर रही हो, टॉयलेट जाना है क्या? नहीं मैं बस, तो भूख लगी है, देखो मैं तुम्हारे लिए आमंड लेके आया हूँ, ये खा लो। नहीं मैं बस, तो वॉमिट आ रहा है? अरे नहीं बाबा बात तो सुन लो, मैं एक जगह लेटे लेटे पागल हो रही थी, थोड़ा फ्रेश एयर के लिए बालकोनी में जा रही थी। हाँ कल ही तो मैं तुम्हें गार्डन में घुमाने लेके गया था ना। हाँ लेकिन 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए कौन घुमाता है, मैं मुझे और भी थोड़ी देर रहना था। लेकिन लेकिन क्या बेबी, डॉक्टर ने रेस्ट लेने के लिए बोला है और तुम इधर उधर घूमती रहोगी अगर कुछ हो गया तो। शुगा मैं प्रेग्नेंट हूँ बीमार नहीं, तुम्हारा केयर से मेरा दम घुट रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे तुम एक बीमार इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हो। शुगा क्यों कर रहे हो ऐसा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जिमिना मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रख रहा था, मैं चाहता हूँ तुम बस हेल्दी रहो, मुझे डर लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें पता है ना जिमिना, बात जब तुम पे आती है मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाता हूँ, प्लीज ना जिमिना बात को समझो। शुगा देखो सब ठीक है और कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे हेल्दी रहना है तो मुझे थोड़ा मूवमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, एक जगह लेटे लेटे मेरा मन भी तो भारी हो जा रहा है, तो इसको हेल्दी रहना बोलोगे तुम, बोलो। नहीं जिमिना सॉरी, मुझे लगा लेटी रहोगी तो ठीक रहोगी, तुम्हारा एंगल मैं कभी सोच के ही नहीं देखा, मैं बस डरता रहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिना। बुद्धू बिल्ला कहीं का, इतना नहीं डरो सब ठीक है, सुनो अब तुम अपना काम करो,
मैं थोड़ा सा बालकनी में जाके बैठती हूँ, ठीक है ना? जिमिना, बस एक बात, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, हमेशा मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हें जो करना है, जहाँ जाना है तुम जाओ, लेकिन मैं भी रहूंगा तुम्हारे साथ। तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, ठीक है ना? तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ बालकनी में, वहाँ पे चल के थोड़ी देर बैठते हैं। ओके चलो, और बैठे बैठे ये आमंड्स भी खा लो, ठीक है ना? तुम्हें भूख लग गया होगा। शुका! तो आज की स्टोरी बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे आदमी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक